साइबर सिटी गुरुग्राम के पटौदी में अज्ञात बदमाशों द्वारा गन पॉइंट पर 2 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। दोनों आरोपियों ने लूट को उस वक्त अंजाम दिया जब ट्रंक हाउस के मालिक दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी दो बदमाश दुकान में दाखिल हुए और बैग में रखी 2 लाख लूट कर फरार हो गए। इस दौरान दुकान में काम करने वाले कर्मचारी संजय ने आरोपियों को रोकने की काफी कोशिश की, मगर बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी जिससे वो घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पटौदी की मामला है, वहाँ पे दो नौजवान पैदल आए और एक ट्रंक व्यापारी के 2 लाख रुपए स्कूटर में से लेके भाग रहे थे। उसका जो काम करने वाला था उसके साथ वो साथी उनके पीछे भागा तो उन्होंने उस पर फायर कर दिया, और जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है और बड़ी जोर शोर से पुलिस उनकी अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्द हम इस केस को क्रैक कर देंगे। क्या आरोपियों की पहचान हो पाई है सर? अभी पहचान करने की कोशिश में लगे हुए हैं, पहचान होते ही इनको उठा लिया जाएगा। सीसीटीवी में क्या हुई है सर पूरी बात पर? अभी इस बात की मुझे जानकारी अभी नहीं है, लेके बताएं। जिस तरह से आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया उससे एक बात तो साफ है कि बदमाशों को पहले से जानकारी मिल गई थी कि ट्रंक हाउस से मालिक इतनी बड़ी रकम लेकर निकलने वाला है, तभी बिना किसी वाहन का सहारा लिए लूट को अंजाम दिया। वहीं वारदात के 36 घंटों के बाद लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दो अज्ञात बदमाश ट्रंक हाउस में दाखिल हो एक्टिवा में बैग में रखी 2 लाख उठाकर मौके से फरार होते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पुलिस की माने तो सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बता दें कि 1 जनवरी 2020 से 30 नवंबर 2020 तक लूट या गन पॉइंट पर लूट की वारदातों का आंकड़ा 160 के पार जा पहुंचा और अभी भी लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। बहरहाल पटौदी थाना के साथ साथ क्राइम ब्रांच को भी इस मामले के खुलासे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।